तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर आज जुड़े एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की ओर से। जी हां दोस्तों, यहां पर आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की ओर से भर्ती के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चले दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से, मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से। दोस्तों यहाँ पर आज आपको भर्ती मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन द इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पोस्ट मिलेगी वो आप देख लीजिए, अप्रेंटिस की पोस्ट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की आपको पोस्ट मिलेगी 216। फिटर की दोस्तों यहाँ पर 221 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों यहाँ पर 228 पोस्ट है। बेल्डर गैस की 59 पोस्ट है। 24 पोस्ट मिलेंगी वायरमैन की। सर्वेयर की मिलेंगी 9 पोस्ट है। और यहाँ पर मैकेनिकल डीजल की मिलेंगी 37 पोस्ट है। मैसन की दोस्तों यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मिलेंगी 37 पोस्ट है। 5 पोस्ट है भी दोस्तों यहाँ पर आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल में मिलेंगी 12 पोस्ट है। 13 पोस्ट है मैकेनिस्ट की। टर्नर की यहाँ पर 11 है। और पंप ऑपरेटर की दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 5 पोस्ट है। 840 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी सभी कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 60 पोस्टें मिलेंगी सिक्योरिटी गार्ड की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इससे संबंधित सभी जानकारी चाहते हैं, तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कर लीजिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। कोपा के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ पर ITI हो, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से, तो आप यहाँ पर अप्लाई हो। चाहे आप SCVT हो या NCVT, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिटर के लिए बात करते हैं, तो फिटर से दोस्तों यहाँ पर ITI हो फिटर से, NCVT SCVT से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए NCVT से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, इलेक्ट्रीशियन केवल NCVT से ही आपको चाहिए है। बेल्डर SCVT NCVT दोनों से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन NCVT SCVT से हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ITI में सर्वेयर की यदि आपने किया है तो यहाँ पर SCVT NCVT दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिक डीजल है, मैसन है, और ड्राफ्ट्समैन यहाँ पर है SCVT या NCVT से सिविल में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मशीनिस्ट दिया गया है, टर्नर भी दिया गया है, और पंप ऑपरेटर भी दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। 10th क्लास 10 नंबर 2 सिस्टम की रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास किया हो तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड द प्रोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड द अबव टेबल 3 एंड 3A रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से यदि आपने ये चीजें की हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव द फिजिकल फिट टू माइंड रूल्स के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिनिमम एज दिया गया है, मैक्सिमम यहाँ पर दी गई है 22/11/2022 के अकॉर्डिंग 18 साल, और मैक्सिमम एज 25 साल आपकी होना चाहिए। बाकी SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास रजिस्टर्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नो एलिजिबिलिटी में दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, वो आप यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। वेतनमान की बात करते हैं तो 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो कि 1 ईयर ITI वाले हैं, जो 2 ईयर वाले ITI वाले हैं, उनको 8,050 मिलेगा। फ्रेशर के लिए 6,000 मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा सी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल अप्रेंटिस से संबंधित सभी जानकारी, तो इसको भी आप चेकआउट करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपकी जो लिंक खुलेगी वो आपके फॉर्म भरने की लिंक खुलने वाली है दोस्तों यहां पर कल की डेट से ही, 7/11/2022 सुबह 10 बजे से लेके लास्ट डेट है 22/11/2022 रात्रि या शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और बात दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है,
ग्रेजुएट वन टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंतर्गत, जिसकी यहाँ पर एज लिमिट 22/11 से अंतर्गत ही है, 7 से ही ये भी आपका फॉर्म ओपन होने वाला है। 22 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास डिग्री हो बी या बी टेक या फिर AMIE के अंतर्गत तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट के लिए 101 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 215 है। 7 तारीख से ही इसका फॉर्म ओपन होने वाला है। तो दोनों के लिए दोस्तों यदि आप चाहें अप्लाई करना तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।